Nepal is जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मेरा जो टिकटॉक ऐप है वो बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आप भी इंडिया के अंदर 2024 में टिकटॉक चलाना चाहते हो तो भाई मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका टिकटॉक ऐप बिल्कुल सुपर फास्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन भाई वीडियो को आपको पूरा देखना, क्योंकि ऐसे में अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका टिकटॉक ऐप नहीं चलेगा, क्योंकि टिकटॉक ऐप जो इंडिया में बैन है। ऐसे में जो आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है, और देखो आप चला के अपनी आईडी बना के ग्रो भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, गजब का मौका है। और बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इस मेथड का यूज करके टिकटॉक चला रहे हैं और अपनी आईडी को ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको कुछ दो या तीन ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको जो है ट्रूबो वीपीएन, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। ट्रूबो वीपीएन को आपको डाउनलोड करना है, और सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के बाद इस वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे टैप टू कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना, आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद में देखिए दोस्तों, आपका दूसरा काम रहेगा टिकटॉक ऐप को डाउनलोड करना। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको यहां पे लिखना है टिकटॉक डाउनलोड, ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब देखो दोस्तों ये वाला जो पेस्ट साइट आएगा इस पर ही आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहां से आपको करना है टिकटॉक ऐप को डाउनलोड, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, काफी बड़ा ऐप है दोस्तों, यहां पे काफी बड़ा ऐप है। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, 274 MB का पहुंच चुका है अभी लेटेस्ट वर्जन। तो यहां पे आपको क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद देखिए दोस्तों जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाए, आप वीपीएन कनेक्ट ही रखना, तभी आपका ऐप डाउनलोड होगा। और डाउनलोड होने के बाद तब उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो वीपीएन आपका कनेक्ट होना चाहिए। इंस्टॉल आपका होने के बाद देखिए दोस्तों, ट्रूबो वीपीएन का बस इतना सा काम था। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रूबो वीपीएन आप चाहो तो इसको जो है डिस्कनेक्ट करके इसको अनइंस्टॉल कर देना। अब आपका जो टिकटॉक है वो आपके मोबाइल में आ चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो टिकटॉक चलाने के लिए सबसे मेन ऐप है जो काम कर रहा है, जो बहुत ही बेस्ट है, वो आपको डाउनलोड करना है। इसका नाम है पावर वीपीएन। आप जो प्ले स्टोर पे जाना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे दूंगा इस ऐप का, तो इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। इसमें कौन सा सेटिंग है वो आप देख लेना, एड वगैरह इसमें बहुत आता है तो आपको कट कर देना है। तो जितने भी एड आए उसको आप कट करना। उसके बाद आप इसके होम पेज पे जाओगे तो यहां पे देखो ऊपर थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउड ऐप का, तो अलाउड ऐप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप है वो आपको नजर आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे या तो सर्च कर लेना, या यहाँ पे आप देख लेना टिकटॉक आते ही आपको यहाँ पे सर्च भी कर लेना, ऊपर ऑप्शन है। और इसको जो यहाँ पे राइट का इस पे, यहाँ पे देखिए इस टाइप से इस पे टिक आप लगा देना, ठीक है, इस पे टिक आप लगा देना, बैक आना। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, अब आप होम पेज पे वापस आ गए हो। यहाँ पे देखिए आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो टिकटॉक कौन से जो है कौन सी कंट्री में चलता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, आपको रीजन पे क्लिक करना है। रीजन पे क्लिक करने देखिए, उसके बाद फ्री वन, फ्री टू इस टाइप से नजर आएगा। सिंपली देखिए फ्री वन में आपको नीचे जाना है, यहां पे यूनाइटेड स्टेट आपको देखना है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए यूनाइटेड स्टेट 1, 2 इस टाइप से आपका खुल जाएगा। अब देखिए जिस पे अच्छा, यहां पे देखिए ये ग्रीन मतलब अच्छा नेटवर्क दिखा है, वैसे यूनाइटेड 1, यूनाइटेड 2 ये काफी अच्छे हैं। इनमें से आप जो किसी पर भी क्लिक करके कनेक्ट कर लेना। देखिए जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट 2 सेलेक्ट किया, और यहां पे देखिए ये वाला जो बटन है इस पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। इस पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। देखिए यहां पे मैं इसको डिस्कनेक्ट करके समझा देता हूं। देखिए यूनाइटेड 2 आपको करके इस पे क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा वेट करके आपका जो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होते ही एड वगैरह आता है जैसा मैंने बताया, कट कर देना। अब आपको टिकटॉक को खोलना है, टिकटॉक को अब आपको खोलना है। खोलने के बाद देखिए पहली बार आप जो आपकी ओल्ड आईडी है वो भी यहां पे लॉगिन कर पाओगे। आप जो ओटीपी के थ्रू, देखो मैं प्रोफाइल में जाता हूं, ये मेरा जो ऐसे ही बनाया हुआ प्रोफाइल है, और पुराने वीडियो भी आप जो यहां पे देख पाओगे, आपके जो कि फ्रेंड लिस्ट भी आप यहां पे चेक कर पाओगे, आप इनबॉक्स भी यहां पे चेक कर पाओगे, पुराने टाइम में आपने कमेंट किया है क्या, कुछ भी किया है वो सब आप एक्सेस कर पाओगे। पूरा टिकटॉक आपका जो बिल्कुल सुपर फास्ट चलेगा दोस्तों। यहां पे देखिए आप देख सकते हो कि इंडिया में देखिए दोस्तों, यहां पे टिकटॉक बिल्कुल यहां पे सुपर फास्ट चल रहा है। यहां पे देखिए रील भी आ रही है, और भाई इंडिया में बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। इसका मैंने कैसे पता लगाया कि यहां पे देखिए कमेंट बॉक्स में जाना, आप देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट आपको कमेंट मिलेंगे। कुछ ऐसी आईडी जो ओल्ड होगी, लेकिन अभी भी जो वापस इंडिया में बहुत सारे जो आईडी लोग यहां पे चला रहे हैं और नए पेज भी बना के ग्रो कर रहे हैं। तो भाई आप चाहो तो इस टाइप से टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हो, अपने पुराने वीडियो देख सकते हो, पुराने वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, अपनी जो प्रोफाइल देख सकते हो, टिकटॉक ऐप चला सकते हो। अगर आपका टिकटॉक ऐप चल जाए तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा।